किया किराया तंत्र क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस वीडियो में हम आपको पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र करा रखा है तो इन लक्षणों के कारण आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह है तेज घबराहट। आपको घबराहट रहने लग जाती है, और घबराहट भी कोई सौखी नहीं, बहुत तेज घबराहट रहने लग जाती है, जैसे कि कुछ होने वाला है, जैसे कि कोई आने वाला है, मारने वाला है, पकड़ने वाला है। इस तरह से आपका मन दबा दबा सा रहने लगता है, एक घबराहट आपके ऊपर छा जाती है। बार बार आपको एहसास होता है जैसे आपका दम घुट रहा है, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, इस तरह के आपको अनुभव आते हैं। आपके सीने पर बोझ सा महसूस होता है आपको, आपकी छाती पर ऐसा लगता है जैसे कोई वजन रख दिया गया हो, जैसे कोई बैठ गया हो। दूसरा लक्षण जो है वह है खाने में बार बार बालों का आना। बेशक कितनी ही सफाई से खाना बनाया जाए, आपकी पत्नी अच्छे से खाना बनाती हैं, बालों को बांध कर खाना बनाती हैं, सफाई का भी ध्यान रखती हैं, लेकिन फिर भी जब आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो कुछ भी आप खाते हैं, आपके मुंह में बाल आ जाता है। इस तरह से यह बार बार आपके मुंह में बाल आना शुरू हो जाता है तो जान लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपके पैरों में, पीठ में लाल और नीले रंग के निशान छोटे छोटे पाए जाने लगते हैं। आप कभी ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देंगे कि आपके पैरों में या पीठ पर नीले रंग के छोटे छोटे धब्बे से बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा फोड़े फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ खिलाई जाती है तो वह अपना असर तो दिखाएगी। आपके चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पिंपल होने लग जाते हैं और वह फूटने लग जाते हैं। इस तरह से आपके शरीर पर जो है, आपके चेहरे पर एक कालापन सा छाने लग जाता है, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं। ये घेरे जो होते हैं ये आपको आपके फेस की जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, उसको बर्बाद कर देते हैं। आपका चेहरा एकदम से बुझा बुझा सा, जैसे कोई फल सूख गया है, ऐसा आपका चेहरा हो जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तब क्या होता है आपके साथ, आपके पूरा शरीर अकड़ा हुआ सा महसूस होता है, जैसे पूरा अकड़ गया है। आपकी कमर में दर्द, आपकी टांगों में दर्द, इस तरह से आपको दर्द का अनुभव होता है। कुछ कुछ लोग तो बताते हैं कि उनके कंधे में, लेफ्ट साइड गर्दन और कंधे के बीच की जगह पे यहाँ दर्द मिलता है, कोई बताता है कि मेरे हाथ में दर्द मिलता है। लगातार यदि ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें कोई ना कोई शंका है। अब जब लोगों को खिला पिला दिया जाता है या किया कराया तंत्र करा दिया जाता है तो उनके साथ क्या होता है वह मैं बता देता हूँ। पहले तो उन्हें पता ही नहीं चलता काफ़ी दिन तक तो कि ऐसी कोई स्थिति हुई है। जब उन्हें थोड़ी बहुत महसूस होने लगता है, वह दर्द वगैरह से पीड़ित होने लगते हैं, तो फिर वह इधर उधर से मेडिकल स्टोर से कोई दर्द की गोली लेकर खा लेते हैं और सोचते हैं कि हो जाएगा। लेकिन तब 30% तक जब ये चीज़ आपको पकड़ लेती है, सवार हो जाती है, तब आपको महसूस होता है कि अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपके रिपोर्ट निकालता है, आपके चेकअप करता है, लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं मिलता है। फिर डॉक्टर बोलता है आपको तनाव है, डिप्रेशन है, शुगर है, इस तरह से बता के आपको और दवा बांध देता है, जिनको आप लगातार खाते हैं, नियम से खाते हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि दवाई काम ही नहीं कर रही है, इस तरह से होता है। आपके शरीर में कुछ चलने जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ चल रहा है, कुछ कीड़े चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, ऐसा चलने जैसा आपको फील हो जाता है। डॉक्टर के पास जा जाकर आप अपने पैसे लुटाते हैं, फिर ठीक नहीं होते हैं, फिर आप जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास जाने के बाद वह आपको ग्रह नक्षत्र की दिशा बताएगा, आपको कुछ थोड़ा बहुत बताएगा जो आप करोगे, तब तक 50% आपको ये शक्ति जकड़ लेती है। अब 50% जकड़ने के बाद आप पीड़ित हो जाते हैं तो आप किसी चौकी दरबार में जाने लगते हैं। चौकी दरबार में जाते हैं, वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं, कोई सात शनिवार बुलाता है, कोई सात मंगलवार बुलाता है, कोई सात वीरवार गुरुवार बुलाता है, सबके अलग अलग दिन होते हैं। इस तरह से आप वहाँ चक्कर काटते हैं।
तब तक यह 70% आपके ऊपर कब्जा कर लेता है। अब आप लास्ट में किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते जाते यह 100% आपके शरीर पर कब्जा कर लेता है। अब उस तांत्रिक के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को निकालना, क्योंकि यह पूरी तरह आपके शरीर में रम गया है। पहले तो आप इधर उधर भटकते रहे, चक्कर काटते रहे, क्योंकि आपको भी ज्ञान नहीं था कि ये चीज़ें होती है। तब तो आपको लगता था कि ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, पाखंड की चीज़ें हैं। लेकिन जब समय पर बीतती है तो आपको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं। जब भगवान है तो शैतान भी है, जब दिन होता है तो रात भी होती है, सूर्य निकलता है तो प्रकाश होता है, तो रात को अंधेरा भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको महसूस होने लगती है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन तब तक आपके हाथ से बाजी निकल जाती है। अब कोई सही तांत्रिक आपको मिले न मिले, यह निर्भर करता है आपकी खोज पर, आपकी ज़रूरत पर। कई लोग तो ऐसे ही चक्कर काटते फिरते रहते हैं, पूछते तलाश करते रहते हैं, परीक्षण करते घूमते रहते हैं, और जब 100% उन पर कब्जा कर लेती है नेगेटिविटी, तब वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि अब न तो पैसा रहता है पास, न स्वास्थ्य रहता है, न परिवार में बनती है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, बेशक पति पत्नी हो, सास बहू हो, भाई भाई हो, इतने दुश्मन बन जाते हैं कि एक दूसरे से बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। अब कुछ और लक्षण बता देता हूँ कि एक राय तंत्र के, आपका शरीर सूखना शुरू हो जाता है। पहले आप स्वस्थ थे, अट्टे कट्टे थे, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि आप धीरे धीरे महसूस होने लगा कि आप सूखने लगे हैं। कोई आपको बोलेगा तुम्हें क्या खा रहा है अंदर से अंदर, तुम सूखते क्यों जा रहे हो। कोई पूछता है तुम्हें क्या चिंता है, क्या परेशानी है, घर वाले पूछते हैं कि बेटा हमें बताओ, लेकिन आप बताओगे तो तब जब आपको खुद पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं। युवा लड़के जो मेरे पास आते हैं वो मुझे बताते हैं कि गुरुजी रात को नींद नहीं आती है डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन बजे तक, और पड़े रहते हैं अपने बिस्तर में, नींद आती ही नहीं है। एक दो घंटा नींद आती है तो गंदे ख्याल आते हैं, सौपन दोष हो जाता है, छुट्टी, और फिर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है। अब इससे आगे क्या बोल सकता हूँ मैं। कोई दवाई देते दवाई लगती नहीं, कोई रिपोर्ट में डॉक्टर की कुछ निकलता नहीं। शादीशुदा पुरुषों के साथ जो संबंध में जो बात है, जो मेरे पास केस आते हैं, उनमें से मैंने देखा है कि इस क्रिया के होने के बाद आपके लिंग में एक दोष आ जाता है, लिंग छोटा होता चला जाता है, आपकी संभोग की इच्छा नहीं रहती है, जिससे पति पत्नी के जो संबंध है वह भी खराब होने लग जाते हैं। यह तो जाहिर सी बात है, यदि आपके कोई परेशानी हो जाती है ऐसी, कोई गुप्त रोग हो जाता है, तो फिर आपका शादीशुदा रिश्ता भी ठीक से नहीं चलता है। कई केसों में तो हमने पाया है कि उसकी स्त्री किसी दूसरी जगह अपनी खुशी ढूंढ लेती है और वह घर टूट जाता है। वह या तो अपने प्रेमी के साथ रहने लग जाती है या अपने मायके रहने लग जाती है, पति का साथ छोड़ देती है और घर बर्बाद हो जाता है। जो बच्चे होते हैं एक दो, वो ऐसे ही धक्के खाते बेचारे ठोकरों में रुल जाते हैं, क्योंकि मामा के घर पे उनको भी इज्जत नहीं मिलती है, और जो प्रेमी के साथ वो जाती है सिस्तरी, तो वो प्रेमी भी उन बच्चों को पसंद नहीं करता है, कहता है कि जिसके हैं उसको वापस लौटा, मेरे साथ क्यों इनको रख रखा है। तो उन बच्चों की भी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो मित्रों, मसानी चीज़ें खिलाने के बाद क्या होता है, इसमें चीज़ें खिलाई जाती हैं, शमशान की चीज़ें, जैसे कोई राख खिला दी, मुर्दे की हड्डी खिला दी, वहाँ से कोई पेड़ की कुछ तोड़ के खिला दिया, मसान से शमशान से जो भी क्रियाएँ चलती हैं उनमें आपके साथ क्या होता है यदि वह आपको कुछ खिला दिया गया है, यह भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपके काम आए। आपके व्यवहार में परिवर्तन, सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। आपके आजू बाजू आसपास के लोग, आपकी पत्नी है, माँ है, भाई है, वो नोट करते हैं कि आपका व्यवहार अचानक से बदल गया है। मान लीजिए पहले आप हंसी खुशी रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, मजाक के मूड में रहते थे, दूसरों को भी हंसाते थे, सबका मन लगाए रखते थे, लेकिन अचानक से अब आप एकदम से चिड़चिड़े हो गए हैं। आपको कोई बोलता है तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, घर वालों से बातचीत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, कोई आपके पास आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यह अचानक से व्यवहार में परिवर्तन वैसे ही नहीं आता है बेटा, ये किसी किए कराए के माध्यम से ही आता है। इसके बाद तरक्की न होना,
दूसरा जो लक्षण है मसाणी क्रिया के खिलाने के बाद, तरक्की आपकी रुक जाती है। मान लीजिए आप पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करते हैं, पूर्ण जी तोड़ मेहनत और परिश्रम भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं अटक कर खड़े रह जाते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ज़रूर कोई ना कोई मसानी क्रिया आपके ऊपर आ गई है। जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई या तो रुक जाती है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर समय एग्ज़ाम में फेल होने का डर उनके ऊपर छाया रहता है। अक्सर तो पढ़ाई छूट ही जाती है और आप बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अब न आप पढ़ाई के रहे न कुछ काम करने लायक रहे, आपकी तो जीवन ही की गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है एक किस्म से, ये मान के चलिए। इसके बाद आप, अब पढ़ाई भी छूट गई है, जॉब आप कर नहीं रहे, घर पे पड़े रहते हैं, तो अब जाहिर सी बात है आपके घर वाले बोलेंगे आपको कि ये काम कर बेटा, वो सब्जी ले आ, वहाँ से ये ले आ, बाइक में तेल डलवा ला, ये करके। तो जैसे ही आपको कोई बोलता है आपको क्रोध आता है। क्रोध भी कैसा, आप चिल्लाने लगते हो सामने वाले के ऊपर कि मैं क्यों करूं, वो बैठा है उसको बोलो, वो बैठी है उसको बोलो। इस तरह से आप क्रोधित होने लग जाते हो, मतलब चिड़चिड़ापन आपके अंदर पूर्ण रूप से भर जाता है। दिमाग का काम नहीं करना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप सोचते तो बहुत हैं, पड़े पड़े सोचते रहते हैं, बहुत लंबी लंबी सोचते रहते हैं कि ये करूँगा, वहाँ जाऊँगा, ये जॉब करूँगा, ऐसे पैसे कमाऊँगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। ये सारे प्लान आपके बेड पर ही बनते हैं, बेड से नीचे कदम आपका टिकता नहीं है कि चलो मैं कुछ कार्य को आगे बढ़ा सकूँ या कुछ कर सकूँ, तो आप सोचते ही रह जाते हैं। कई लोगों के जो मेरे पास आते हैं मामले, उनमें नेगेटिव सोच उनकी हो जाती है, एक नकारात्मक विचार उनके पैदा हो जाते हैं, जैसे मरने के विचार कि मैं मर जाऊं, मेरा यहाँ कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, इस तरह के विचार आना, सुसाइड के विचार आना, ये शुरू हो जाते हैं। आदमी समझ नहीं पाता है कि तेरे साथ हो क्या रहा है, जबकि ये सब किए किराए के अंतर्गत ये चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा शनिवार और मंगलवार हफ्ते में ये दो दिन ऐसे आते हैं जब इस क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर होता है। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन तो क्लेश होना ही होना है, जूत बजना ही बजना है, इस तरह से आप मान के चलिए। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमासी, यह दो दिन हैं, इनसे दो दिन पहले या दो तीन दिन बाद, यानी कि अमावस्या से दो तीन दिन पहले और दो तीन दिन बाद, इस टाइम टेबल में, इस टाइमिंग में ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, चाहे चोट लगे, कोई आपका उपकरण जल जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो ये दो चार दिन ऐसे होते हैं जो हर महीने आते हैं और आपके लिए कोई ना कोई बुरा समाचार लेकर आते हैं। तो ये सब क्रियाएँ जो मैंने बताई, ये लक्षण मैंने बताए हैं, ये सब किया कराया तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्व का जादू, ढाके बंगाले का जादू, इस तरह की विद्याओं के जरिए आपके ऊपर किया कराया जो है रोग डाल दिया गया है जो आपको पीड़ित कर रहा है। तो इसमें मैंने हर चीज़ बता दी आपको, आपके साथ क्या क्या होता है, तेज़ घबराहट होती है, दम घुटता है, सीने पर वजन जैसा महसूस होता है, कुछ लोगों को तो गलत संबंध बनने तक के एहसास होते हैं, स्त्रियों को भी पुरुषों को भी, और जब वो पूजा करने बैठते हैं तो पूजा के समय गलत विचार आने लगते हैं। गलत विचार किसके बारे में आने लगते हैं, अपने ही परिवार के, जैसे कोई लड़की बैठी है पूजा में, उसे अपने भाई के रूप में, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, इस तरह खुद के ही फैमिली के लोगों के रूप में दिखाई देता है और गलत संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह जो पुरुष है वह पूजा में बैठता है तो उसे अपनी बहन, बेटी, बीवी, माँ, इस तरह के लोगों के साथ गलत संबंध बनाने के विचार आते हैं बार बार। कई सी स्त्रियाँ मुझे बताती हैं कि गुरुजी हमें आपके साथ संबंध बनाने के विचार आते हैं, तो ये क्या यह गलत है, पाप है? तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय मैं लेने वाला कौन होता हूँ? परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया उसके विचार वैसे ही रहेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि पूजा के समय गलत विचार क्यों आते हैं।
इसमें गुरु के प्रति भी विचार आ सकते हैं यदि आप स्त्री हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप इष्ट, जैसे माता की भक्ति कर रहे हैं, माता काली है, दुर्गा है, कोई और माता है, तो उस माता के संबंध में ही गंदे विचार आने लगते हैं और आपके भीतर एक अपराध बोध आ जाता है कि यह कैसे हो सकता है, वो मेरी इष्ट है, मेरी माता है, मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है, उनके बारे में गलत विचार आया तो इसका मतलब मैं पापी हूँ, और आप आत्मघात करने लग जाते हैं, खुद को ही सजा देने लग जाते हैं, आपके भीतर एक अपराध बोध आ जाता है। जबकि ये चीज़ें उस नेगेटिविटी की वजह से होती हैं, वह आपको उकसाती है, ऐसे दृश्य दिखाती है जिससे कि आपको ऐसे गंदे विचार आते हैं। तो ये किया कराया संबंधित वीडियो मैंने बताया, इसमें मैंने जहाँ तक कोशिश हुई सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनकर अपने लक्षण मैच कर सकते हैं कि आपको भी कहीं ये लक्षण तो नहीं हो गए। यदि ऐसे आपको लक्षण हो गए हैं तो जल्द से जल्द किसी योग्य विशेषज्ञ से मिलकर, जो इस क्रिया का विशेषज्ञ हो, उससे मिलकर अपना निपटारा करवाएं, नहीं तो यह क्रिया व्यक्ति को मृत्यु तक भी पहुंचा देती है। यदि इसकी मियादी भी होती है, आपको जो खिलाई पिलाई गई चीज़ दी जाती है तो उसकी मियाद होती है कि 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल, जो भी मियाद अगले ने रखी है कि यह चीज़ इतने दिन पेट में रहने के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी बन जाती है, बड़ी बीमारी बन जाती है जिसके बाद मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा किसी के साथ न हो, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं। और आप लोगों को चौकन्ना रहने के लिए हम कहते हैं कि आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कौन आपको उसके मीठा बोलता है, कौन सच्चा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, आजकल भरोसा ही नहीं है कि कौन कब क्या कर दे। ऐसा समय आ गया है, किसी के संपत्ति का आपका विवाद है, कोई संपत्ति आपकी हड़पना चाहता है, आपकी गाड़ी हड़पना चाहता है, आपका बंगला हड़पना चाहता है, कुछ भी हड़पना चाहता है, तो आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।